हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। सो कैसे हैं आप लोग? सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइवस्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। उसके बारे में हम सिलेबस देखेंगे कि कौन से यूनिट जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं और इसका प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या रोल रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हमारा सब्जेक्ट है लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, जिसका क्रेडिट स्कोर है 2+1=3। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन थ्योरी पोर्शन की बात करते हैं। तो थ्योरी पोर्शन में जो फर्स्ट यूनिट आती है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर बात करें तो रेट्रोस्पेक्ट्स और प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, ये जानेंगे। लेआउट ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, जो लेआउट है प्रोसेसिंग प्लांट के, वो देखेंगे। और उसका मैनेजमेंट कैसा होता है वो पता चलेगा। कंपोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क, ठीक है, कंपोजिशन और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है मिल्क की, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क भी देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल डिटोरिएशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कलेक्शन, उसकी चीलिंग, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, पास्चराइजेशन, यूएसटी ट्रीटमेंट, होमोजेनाइजेशन, बैक्टोफ्यूगेशन, ड्राइड, डिहाइड्रेटेड और फर्मेंटेड मिल्क, इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये सारा कुछ जो है यूनिट जो है आएगा। नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या क्या देखेंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ क्रीम, बटर, पनीर, छेना, घी, खोया, लस्सी, दही, आइसक्रीम, ये सारे जो होते हैं बाय डेयरी के बाय प्रोडक्ट्स, ये सब देखेंगे। कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड देयर रेमेडियल मेजर्स, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ HACCP इन मिल्क प्लांट, ठीक है, ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ इन मिल्क प्लांट, डेयरी जो है इफ्लुएंट मैनेजमेंट, ये सब फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में आता है वूल साइंस। वूल साइंस के अंदर आप इंट्रोडक्शन टू वूल, फर, पेल्ट, स्पेशलिटी फाइबर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ग्लॉसरी ऑफ टर्म ऑफ वूल प्रोसेसिंग, बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ऑफ वूल फॉसिल फॉलिकल, पोस्ट शेयरिंग ऑपरेशन ऑफ वूल, क्लासिफिकेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ वूल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, इम्प्योरिटी ऑफ वूल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ वूल, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ वूल प्रोसेसिंग, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वूल साइंस के अंदर आता है, ठीक है। यूनिट टू छोटी है। यूनिट थ्री जो है एबोरेटेड प्रैक्टिसेज एंड एनिमल बायप्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, जो स्लॉटरिंग होती है, ठीक है, तो लेआउट एंड मैनेजमेंट ऑफ रूरल, अर्बन एंड मॉडर्न एबेटर्स, ठीक है, HACCP कॉन्सेप्ट इन एबेटर मैनेजमेंट, FSSA स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट ऑफ एबेटर्स, ठीक है, एनिमल वेलफेयर के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि स्लॉटर केयर रखनी पड़ती है ना, प्री स्लॉटर केयर, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मीट एनिमल इंक्लूडिंग पोल्ट्री, प्रोसीजर ऑफ एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ मीट इंडस्ट्री, स्लॉटरिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ मीट एनिमल्स एंड बर्ड्स, इमरजेंसी एंड कैजुअलिटीज स्लॉटर्स भी होते हैं, इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ ड्रेस कार्कसेस इंक्लूडिंग पोल्ट्री, एबेटर बाय प्रोडक्ट रेंडरिंग मीट बोन ग्लू जिलेटिन फैट एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल वैल्यू, ठीक है, स्किन और हाइड्स, मेथड ऑफ फ्लेइंग डिफेक्ट्स, प्रिजर्वेशन, उसका टैनिंग क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कंडेम्ड मीट एंड कार्कसेस, मैनेजमेंट ऑफ इफ्लुएंट एमिनेशनिंग फ्रॉम एबेटर। तो ये सारा कुछ जो है यूनिट 3 में आएगा। अब बात करते हैं हम यूनिट 4 की, जो है पूरी मीट साइंस। तो ये आप अच्छे से जो है आसान यूनिट्स हैं सारी, ठीक है, LPT की। तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मीट इंडस्ट्री इन इंडिया, तो वही है स्ट्रक्चर कंपोजिशन, मसल इंक्लूडिंग पोल्ट्री मसल, कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है मीट की, फैटुलेंट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है मीट में, प्रिवेंशन ऑफ मीट एंड पोल्ट्री ड्राइंग, सॉल्टिंग, क्योरिंग, स्मोकिंग, चिलिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, इरेडिएशन, केमिकल्स, ठीक है, एजिंग ऑफ मीट, मीट मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीट, कबाब, सॉसेजेस, मीट बॉल्स ऑफ एयर पैटीज, ठीक है, तंदूरी चिकन, ये सूप, पिकल्स, ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, फिजियोकेमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल जो है क्वालिटी ऑफ मीट एंड प्रोडक्ट्स, बेसिक सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिटिव वैल्यू, प्रिजर्वेशन, उसका पैकेजिंग ऑफ एग एंड एग प्रोडक्ट्स, लॉस गवर्निंग द नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड इन मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड मीट भी आते हैं और उनके पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स, वो सब इसके अंदर आते हैं।
तो हमारे नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिकल पोर्शन। तो इसमें चार यूनिट है, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में आप उसका सैम्पलिंग देखोगे मिल्क का, उसका आप निकालना होता है कि फैट परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, सॉलिड नॉट फैट SNF भी निकाल सकते हैं, टोटल सॉलिड्स कितना है, प्लेटफॉर्म टेस्ट, क्रीम सेपरेशन, डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पाश्चराइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक घी, पनीर, छेना, खोया, ये सारा कुछ चीज करना देखेंगे। वूल साइंस में क्या है, आप उसकी सैम्पलिंग टेक्निक्स, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वूल, वूल का आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लीस डेंसिटी, ठीक है, फाइबर डायमीटर, स्टेपल लेंथ, क्रिम्प एंड मेड्यूलेशन परसेंटेज, तो ये छोटी यूनिट है, ठीक है। फिर एबर्टर प्रैक्टिसेस में आप कौन सी, इसमें क्या क्या देखोगे, मेथड ऑफ रिचुअल एंड ह्यूमन स्लॉटर्स, ठीक है, फ्लेइंग एंड ड्रेसिंग ऑफ फूड एनिमल्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री कार्कस, इवैल्यूएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मीट यील्ड, ड्रेसिंग परसेंटेज, मीट बोन रेशियो एंड कट अप पार्ट्स, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एबर्टर बाय प्रोडक्ट्स, विजिट ऑफ टू स्लॉटर हाउस और मीट प्लांट्स। फिर बात करें यूनिट फोर की मीट साइंस में, तो आप उसके अंदर पैकेजिंग ऑफ मीट, पोल्ट्री शेल एग्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ डिटोरेटिव चेंजेस इन द मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिटेड एंड नॉन कम्युनिटेड मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक ऑफ एग्स। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन में आएगा LPT के। अब अपन बात करते हैं बुक्स। तो अगर आपको मिल्क और ये डेयरी से रिलेटेड पढ़ना है तो सुकुमार दे की जो है ये आती है आउटलाइन ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, आप एक परचेज कर सकते हो। मॉडर्न एबेटेड प्रैक्टिसेस एंड एनिमल बायो प्रोडक्ट्स जो टेक्नोलॉजी है BD शर्मा की, ये आपके एबेटेड वाले भी यूनिट के लिए काम आएगी। और आपको मीट साइंस के लिए एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है BD शर्मा की ये जो आउटलाइंस ऑफ मीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप ये परचेज कर सकते हो। सो ये तो है ही है, साथ साथ आप बसंत बेस भी ले सकते हैं ना LPT की। तो इसी के साथ जो है ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसके हमने ब्रीफली आपको सब कुछ बता दिया है। इस जो थर्ड ईयर में आपको क्या BBS NH में क्या पढ़ना होता है LPT सब्जेक्ट में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।